गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मंजू बायोलॉजी क्लास. दिस इज़ द रिविज़न क्लास. वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर वन ऑफ क्लास प्लस वन, द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, और जो भी इसमें से मुझे क्वेश्चंस लगेंगे मैं फटाफट आज, मैं अभी मैंने पूरा चैप्टर आपको करवाया है तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी. तो लिविंग जो भी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पढ़ना तो थॉरो है, मैंने सारा टिक भी करवाया आपको. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, name the process which helps in maintaining the continuity of species. What is the answer of this? That is reproduction. Okay, name the two defining properties of the living organism. Answer, cellular organization of the body, consciousness, या फिर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, हु गेव बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, दैट इज कार्लस लिनस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN एंड ICZN? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. हु गेव बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर? अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, दैट इज कार्लस लिनस. व्हाट आर द रूल्स ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर? नंबर वन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स, and if they are latinized, they are latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Number two, the first word in the biological name represents the genus while the second word represents the species. Both the words in the biological name when handwritten are underlined separately or if printed write in italics. Number four, the first word denoting the genus start with a capital letter while the first letter of the species starts with a small letter. Number five, the name of the author should be written at the end of the species name in abbreviated form. Okay? What is, define the term taxa. Taxa is the scientific term for all the categories. Okay? Taxa क्या है? Categories के लिए एक single name है. Define the term taxonomy. Taxonomy is the process of identification, nomenclature and classification of different kind of living organisms. Who wrote Systema Naturae? That is Linus. Linus. Okay. Taxonomic hierarchy के बारे में बताइए. Starting from the lowest, species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Okay? Name the category which has fundamental similarities. That is species. Okay? Name the category which has more characters in common. This is genus. Write the scientific classification of man, housefly, mango and wheat. ये आपने टेबल बच्चे अच्छे से लर्न कर लेना है. ओके, कैसे? मैन, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस,
जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया एंड डिविजन कॉर्डेटा. वट इज द हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट, या फिर आप ऐसा कौन सा वर्ड देंगे जिससे, कौन सा आप ऐसा सुफिक्स लगाएंगे जिससे पता चले कि ये ऑर्डर है. विच सुफिक्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर, दैट इज एल्स. एंड सी ई ए ई ए ई, दिस रिप्रेजेंट्स द फैमिली. ओके, मैन फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, डिवीजन कॉर्डेटा. हाउसफ्लाई नेम म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का, फैमिली म्यूसिडे, ऑर्डर डाइपटेरा, क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा. इसी तरह से आपने दोनों कर लेने हैं, चारों कर लेने हैं बेटा, ठीक है. आगे कुछ नहीं है. बोटेनिकल गार्डन्स कितने हैं? 122. जूलॉजिकल पार्क्स कितने हैं? 164. ओके, लेट अस एंड विद दिस. टुमॉरो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.